हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विपुल टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने IRCTC से टिकट बुक किया है, अगर उसको कैंसिल करना चाहते हैं आप, तो मैं आज आपको बताऊंगा टिकट को कैंसिल कैसे किया जाता है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप किसी स्टेप को मिस्टेक कर देंगे तो आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा, कुछ दिक्कत भी हो सकती है, रिफंड भी नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखिए। तो देखते हैं, सबसे पहले आप अगर आपने टिकट बुक किया होगा तो ID, पासवर्ड सब चीज़ें बनाई होगी, तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, यहाँ पे IRCTC रेलवे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, गूगल पे टाइप प्ले स्टोर पे टाइप करिए IRCTC कनेक्ट ऐप, तो दिख जाएगा ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जो आपको सामने दिख रहा है। इसको ओपन कर डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको ओपन करना है। ऐसे आपने ओपन किया तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ऐसे ओके करने के बाद अब आपको क्या करेगा, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है ना, ऊपर देखिए लॉगिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फोर जो आपने पिन बनाया होगा 4 डिजिट का, अगर आपने पिन नहीं बनाया है तो आपको यूजर ID और पासवर्ड को डालना पड़ेगा, फिर आपको पिन का ऑप्शन आएगा, पिन बना सकते हैं। ठीक है, मैंने पिन को बना लिया है तो इसलिए आपको 4 डिजिट का पिन डालना है इसमें। तो मैं 4 डिजिट का पिन डाल दिया हूँ। अब आपको लॉगिन पर इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपका थोड़ा टाइम लेगा, लॉगिन हो रहा है, वेट करिए थोड़ा सा। आप इसकी सहायता से आराम से टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी OTP आएगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा, जो आपने अकाउंट बनाने से IRCTC का अकाउंट बनाते समय जिसको डाला था मोबाइल नंबर पर, उसी को OTP आएगा। मेरा OTP आ चुका है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मैंने वेरीफाई कर लिया है। अब आपका आपने जो भी यहाँ पे देखिए, आपका डैशबोर्ड दिख रहा है, ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा ऐसा। अब आपको माई बुकिंग्स यहाँ दिख रही है दूसरे नंबर पे नीचे, माई बुकिंग्स, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी टिकट लास्ट टाइम बुक किया होगा वो आपका दिख रहा है। मैंने एक ही टिकट बुक किया है, इसी को मुझे कैंसिल करना है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पैसेंजर का सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगी, आपको सेव केवल यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे कैंसिल टिकट का ऑप्शन भी आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको, अगर आप कई पैसेंजर हैं, मतलब एक टिकट में कई लोगों का एक साथ टिकट हुआ है, तो यहाँ पर उसका नाम दिखाएगा सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरे केस में केवल एक पैसेंजर था, उसी का मुझे टिकट कैंसिल करना है, तो इसलिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप किसी एक पैसेंजर का करना चाहते हैं कैंसिल और एक का नहीं करना चाहते, यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल का केवल टिकट किया था, इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑल को। अब आपको कैंसिल पर क्लिक करना है, नीचे कैंसिल बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, आपका टिकट कैंसिल हो चुका है। अब आपको बैक चले जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन का आ गया। अब आपका टिकट कैंसिल हो चुका है, आपका जो भी रिफंड होगा 2-3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।